हाँ भाई NTSC वालों, क्या हाल है? आपकी ऑन डिमांड पे एक वीडियो और आया है, बहुत ही अच्छा वीडियो है। काफ़ी क्वेश्चंस हम करेंगे। पिछले वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला आपका, इसलिए हम सेकंड वीडियो के साथ हैं NTSC के लिए। तो ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, NTSC में आए हुए भी हैं, और हो सकता है कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिल जाए, और हो सकता है वो NTSC में आपको आगे मिल जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन वीडियो की। बेटा, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रोलाइट इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर द कोएगुलेशन ऑफ सल्फाइड ओर या सल्फाइड सोल। कितना बेहतरीन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखिएगा इसको कि विच इलेक्ट्रोलाइट इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर द कोएगुलेशन ऑफ सल्फाइड सोल। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कोएगुलेशन क्या होती है। कोएगुलेशन क्या होती है कि जैसे हमारे पास ये कोलोइडल पार्टिकल्स हैं, इन पे सेम चार्ज होता है, कोलाइडल पार्टिकल्स पे सेम चार्ज होता है, जैसे नेगेटिव 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 नेगेटिव, तो ये रिपेल करते हैं एक दूसरे को। रिपेल करेंगे तो दूर चले जाएंगे, है ना, नज़दीक नहीं आ सकते। इफ वी ऐड सम अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट, मीन्स जैसे नेगेटिव है तो हम कोई पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट इसमें डालते हैं, तो इसका चार्ज खत्म हो जाएगा, फिनिश, पानी खत्म। तो फिर ये पार्टिकल्स नज़दीक आ सकते हैं, और ऐसे इन पार्टिकल्स का इकट्ठा हो जाना ही कोएगुलेशन कहलाता है। एग्रीगेशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स व्हेन अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड टू इट। सिंपल सा फंडा है, सेम चार्ज की वजह से नज़दीक नहीं आ पा रहे हैं, सेम चार्ज फिनिश कर दिया, नज़दीक आ गए। सेम चार्ज फिनिश करने का तरीका क्या है, अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट डाल दो, नेगेटिव में पॉजिटिव डाल दो, पॉजिटिव नेगेटिव, चार्ज को ख़त्म कर दो, बात खत्म। अच्छा जी, अब ये कह रहा है हमारे पास सल्फाइड सोल है और उनकी कोएगुलेशन करनी है, तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि सल्फाइड सोल पे एक्चुअल में चार्ज कैसा होता है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर मैं आपको एक लिस्ट बता देता हूँ कि किन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और किन पे कैसा नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो अगर हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड है हमारे पास, तो उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। मेटल हाइड्रोक्साइड है, जैसे इसका मैं कह दूं Al2O3XH2O, हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड। एक मेटल हाइड्रोक्साइड है जैसे FeOH3 है, ये है। हीमोग्लोबिन है, ब्लड के अंदर पाया जाता है। इन सब पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो हमारे पास जैसे गोल्ड है, हमारे पास सिल्वर है, ये जो मेटल है, इन पे कैसा चार्ज मिलेगा, इनके कोलोइड्स पर नेगेटिव चार्ज मिलेगा। मेटल के जो सल्फाइड हैं जैसे CDS है, ठीक है, AH2S3 सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला, AH2S3, दीज आर द मेटल सल्फाइड एंड दीज कंटेन्स नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज कोलोइड्स। अब बेटा ये भी हमें पता चल गया कि एक्चुअल में सल्फाइड सोल पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज को फिनिश करना है हमें, तो कैसा इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ेगा, पॉजिटिवली चार्ज, और जिस पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा ना वो जल्दी कोएगुलेशन कराएगा। तो हम ये देखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज किस पे ज़्यादा है, सोडियम पे पॉजिटिव है, Al3 पॉजिटिव है, Ba2 पॉजिटिव है, Na1 पॉजिटिव है। नाउ टेल मी विच इलेक्ट्रोलाइट इज मोस्ट इफेक्टिव। आप आसानी से देख सकते हैं, +1 नहीं करेगा, +3, +2, +1, सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव चार्ज है वो Al पे है, +3 इट मीन्स इट विल बी मोस्ट इफेक्टिव। क्लियर, आसान सा था, काफ़ी पूछे जाते हैं इस क्वेश्चन। चलो फिर मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करता हूँ। ये तो मान लो भगवान का लाख लाख शुक्र है, हमें सल्फाइड सोल दे दिया, हमें पता था इस पर नेगेटिव चार्ज है, हो सकता है हमें कोई पॉजिटिवली चार्ज दे दे। अब पॉजिटिवली चार्ज दे दे तो उसके लिए हमें कैसा चाहिए, नेगेटिवली चार्ज कोलोइड। तो हम इलेक्ट्रोलाइट तो इसी तरह डाला जाएगा। एक्चुअल में इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, विच कैन डिसोसिएट्स इनटू द आयन। तो आयन बनेंगे तो एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, तो अपोजिटली चार्ज तो दोनों में ही मिलेंगे। तो आप ये देख सकते हो कि अगर हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलोइड हैं तो उसको फिनिश करना है, तो हम किसको करेंगे, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट डाल लेंगे। तो इसमें अगर मैं नेगेटिव देखूं तो SO4 पे 2 नेगेटिव, Cl पे -1, Cl पे -1, Na3 ये देख लेना जितना इस पे के साथ 3 है, इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए इस पे कितना नेगेटिव चार्ज होता है, 3 नेगेटिव चार्ज होगा।
इसका मतलब ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अगर हमें पॉजिटिवली चार्ज कोलोइड्स को कोएगुलेट करना है तो ये डालेंगे, और नेगेटिवली करना है तो ये डालेंगे। पहला क्वेश्चन होता है समाप्त। दूसरे क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो दूसरे क्वेश्चन पे हम आ गए यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेंस आयनिक कोलेंट एज वेल एज डेटिव बॉन्ड्स। तो इनमें से हमें कंपाउंड्स दे दिए कि कौन से आयनिक है, कौन से कोवेलेंट हैं और कौन सा क्या है डेटिव बॉन्ड है, ये हमें पता करना था। ठीक, चलो कोई बात नहीं। तो इसमें सबसे पहली जो जरूरी चीज है वो हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में आयनिक बॉन्ड होते क्या हैं। आयनिक बॉन्ड वो होते हैं बेटा जो आयंस के पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा होगा, आयनिक बॉन्ड हो जाएगा। ठीक, या हम कह सकते हैं इन विच कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। सोडियम से क्लोरीन में कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो कैसा हो गया, आयनिक। अगर मैं बात करूं कोवेलेंट की, तो आप कोवेलेंट की तरफ देखिए। कोवेलेंट का मतलब होता है जो शेयरिंग से बने। जैसे मैं क्लोरीन की बात कर लूं, क्लोरीन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो दूसरे क्लोरीन के पास भी 7 हैं, 3 4 5 6 7। तो ये इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, और ये शेयर कर ले तो इसका ऑक्टेट पूरा। दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया तो इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। ठीक है, ये बात भी ठीक है। अब अगर मैं डेटिव बॉन्ड की बात करूं तो डेटिव जो बॉन्ड होता है इसको बेटा हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक, इस तरह में क्या होता है कि जैसे मैं बात करूं NH3, ये NH3 है और हमारे पास क्या है, इस पे लोन पेयर होता है। NH3 के केस में नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, और इसके साथ H पॉजिटिव में जोड़ दूं। H पॉजिटिव का मतलब H पॉजिटिव के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, हाइड्रोजन हमेशा डुप्लेट पूरा करना चाहेगा। तो ये इससे कहेगा भाई ये दो इलेक्ट्रॉन मेरे साथ शेयर कर ले तू, मेरा डुप्लेट पूरा हो जाएगा। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है, इसने उसकी बात मान ली। लेकिन इसमें देखो क्या हाइड्रोजन ने अपना हिस्सा दिया, इस केस में तो एक क्लोरीन ने दिया, एक इस क्लोरीन ने दिया। बट इस केस में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन दोनों नाइट्रोजन के, लेकिन शेयरिंग कर ली। ये इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि दो बंदे बिजनेस कर रहे हैं 2 लाख का, तो 1 लाख उसने दी, 1 लाख उसने दी, शेयरिंग हो गई, उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कह देंगे। दो बंदे बिजनेस कर रहे हैं, 1 लाख 2 लाख का बिजनेस है, 2 लाख दिए एक ही बंदे ने लेकिन दूसरे को पार्टनर बना लिया, That is डेटिव बॉन्ड। तो ये तीनों बॉन्ड हमने बता दिए। तो अब इसमें ये हमसे पूछ रहा है कि बताओ भाई कौन सा कंपाउंड है जो भैया ये बनाएगा तीनों ही बॉन्ड हो। तो हमने पहले तो पढ़ लिया NaCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव कैसा है, आयनिक बॉन्ड है, ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है। MgCl2 मैग्नीशियम के वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक क्लोरीन को एक चाहिए, दूसरे क्लोरीन को एक चाहिए, तो ये कंप्लीट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ये फिर से कैसा हो गया, आयनिक बॉन्ड हो गया। अगर मैं Cl2 की बात करूं तो अभी हमने बताया था एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन दूसरा क्लोरीन शेयर करते हैं, कैसा बॉन्ड हो गया, कोवेलेंट हो गया। अब हमारे पास बच गया NH4Cl, यही हो सकता है ऑप्शन, बाकी होता कैसे ये ध्यान रखना। अगर ये आ जाता है तो NH4 के केस में NH3 बना के हमने आपको दिखाया था, एक नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन का शेयरिंग हो रही है, NH3 कोवेलेंट हो गया। NH4 H पॉजिटिव हमने जोड़ा था, डेटिव बॉन्ड हो गया क्योंकि नाइट्रोजन पे लोन पेयर था, हाइड्रोजन को H पॉजिटिव को इसने वैसे दिया था, डुप्लेट पूरा हो गया था, डेटिव बॉन्ड बन गया। अब ये कह रहा है NH4Cl, तो NH4 पॉजिटिव और उसके साथ Cl नेगेटिव, तो इन दोनों के बीच में दो आयंस हैं उनके बीच में कैसा बॉन्ड बन रहा है, आयनिक बॉन्ड बन रहा है। तो हम कह सकते हैं NH4Cl इज द कंपाउंड विच कंटेन्स आयनिक कोवेलेंट एंड डेटिव बॉन्ड। ठीक है, यहां पर हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया समाप्त। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ सिलिका इन एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फॉर CuFeS2O4। तो बेटा जी मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, CuFeS2 को बोलते हैं कॉपर पाइराइट, और इस पे क्वेश्चन एक्चुअल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसको एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, इसकी ऑक्सीडेशन कर देते हैं, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है,
आयरन ऑक्साइड बन जाता है, है ना, और कॉपर सल्फाइड बन जाता है इस तरीके से। लेकिन फिलहाल इसमें क्या है कि इसके अंदर सिलिका, सिलिका का फॉर्मूला बेटा होता है SiO2, ये हमारे पास हो गया सिलिका, ठीक है। कह रहा है इसका क्या रोल है, तो जब हम इसकी ऑक्सीजन के साथ इसको हीट करते हैं तो हमारे पास एक गैंग की फॉर्म में मिलता है आयरन ऑक्साइड। गैंग, पहले तो इन चीजों का पता होना चाहिए आपको कि डिप्रेसेंट क्या होते हैं। चलो ये पढ़ लेते हैं, डिप्रेसेंट क्या होते हैं। अब डिप्रेसेंट पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। हम क्या करते हैं कि अगर हम कोई भी सल्फाइड और प्योरीफाई करते हैं तो सल्फाइड ओर को प्योरीफाई करने का जो तरीका है, जो मेथड है, वो है फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ फ्लोटेशन एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा हम मेटल सल्फाइड को प्योरीफाई करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं ये भी मैं बता ही देता हूं कि अगर मेरे पास सल्फाइड ओर है, ठीक है, तो ये सल्फाइड ओर को हम ऑयल के साथ और वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक। तो सल्फाइड ओर की ये खासियत है कि वो ऑयल को अपने सरफेस पे एडजॉर्ब कर लेता है। ऑयल जब सरफेस पे आएगा तो वो हल्का हो जाएगा, है ना। तो हल्का होने की वजह से जो सल्फाइड ओर है, जो प्योर ओर है, वो ऊपर आ जाएगा, फ्रोथ बना लेगा, झाग बना लेगा और उसको सेपरेट कर लेंगे। इम्प्योरिटी है वो वाटर के साथ एडजॉर्ब होकर नीचे सेटल डाउन हो जाती है, क्योंकि वाटर के एडजॉर्ब होने से वो भारी हो जाती है। ये हो गया, तो सल्फाइड ओर को प्योरीफाई करेंगे तो हम फ्रोथ फ्लोटेशन से करेंगे और इस तरीके से करेंगे। हम हो सकता है इसमें इस तरीके से कुछ बना के इसको तेजी से घुमा भी दें तो हल्का जो फ्रोथ है वो ऊपर आ जाएगा, जैसे क्रीम आती है ना मिल्क के अंदर, इसी तरीके से। यहाँ तक तो ये बात ठीक थी, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि इसके अंदर डिप्रेसेंट का क्या रोल है, तो डिप्रेसेंट का रोल ये है कि अगर इसमें सल्फाइड और दो तरह के हैं, जैसे मेरे पास जिंक सल्फाइड है, है ना, एक और दूसरी तरह का PbS आ जाए, लेड सल्फाइड, ठीक है। अब ये दो मिक्स है, हमें कौन सा चाहिए, एक को हमें ऊपर चाहिए। इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हमें कुछ सब्सटेंस डालने पड़ते हैं, उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, डिप्रेसेंट। इनको सेपरेट करने के लिए NaCN, ये याद रख लेना, कई बार पूछा जाता है कि भाई इनको सेपरेट करने के लिए कौन से डिप्रेसेंट का यूज करते हैं, तो हम यहाँ पर NaCN का यूज करते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो है डिप्रेसेंट, तो ये डिप्रेसेंट का कोई रोल अदा नहीं करता सिलिका। फिर गैंग, गैंग का मतलब है इम्प्योरिटी, अर्थ इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है ओर के अंदर, ठीक है। तो अर्थ इम्प्योरिटी, तो इसके अंदर FeO बनेगा, जैसे कि अभी मैंने जिक्र किया था आयरन ऑक्साइड, जैसे हमारे पास FeO बन गया, यहाँ पर आयरन का एक ऑक्साइड है FeO, यहाँ से हमें मिला, ठीक, कोई बात नहीं, ये हमें मिल गया है। तो गैंग तो वो है SiO2, कोई गैंग थोड़ी है, इम्प्योरिटी थोड़ी है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें फ्लक्स, फ्लक्स क्या होता है, देखिए बेटा अगर हमारे पास गैंग है और उसमें हम एक सब्सटेंस ऐड कर दें फ्लक्स, जो कि इसके साथ कंबाइन होकर इसको हल्का कर लेता है और ऊपर ले आता है, और ऊपर जो आता है वो क्या होता है, उसको बोलते हैं हम स्लैग। कहने का मतलब गैंग और फ्लक्स कंबाइन होकर क्या बना देते हैं, स्लैग बना देते हैं। तो इन्होंने क्या बना दिया, स्लैग। तो एक्चुअल में जो FeO है यहाँ पर गैंग है, ठीक है, और SiO2 है सिलिका, वो किसका काम कर रहा है, फ्लक्स का। और जब ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो ये बन जाते हैं FeSiO3 और इसको बोलते हैं स्लैग, ठीक है। तो ये स्लैग हो गया, ये फ्लक्स हो गया और ये गैंग हो गया। तो अब आप पहचान कर सकते हो कि इनमें जो SiO2 है सिलिका है वो किसका काम कर रहा है, वो फ्लक्स का काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम तीसरे क्वेश्चन का भी समापन कर चुके हैं और हमारे तीनों क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फोर्थ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड स्टेट, लिक्विड की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में बच्चों आपको ध्यान रखना है कि है या नहीं है पूछ रहा है, कई बार है कई बार नहीं है, उसमें बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ये कह रहा है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड इज ग्रेटर देन गैसेस। अगर मॉलिक्यूल्स के बीच की अट्रैक्शन की बात करें
तो सबसे ज्यादा जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है वो किस में होती है बेटा, सॉलिड के अंदर होती है, पार्टिकल्स में क्लोज पैकिंग होती है, बहुत नज़दीक होते हैं। उसके बाद लिक्विड में होती है। तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की मैं सीरीज बना दूं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये बात तो इन्होंने बिल्कुल ठीक कही है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड इज ग्रेटर देन गैसेस, गैस के कंपैरिजन में लिक्विड के पार्टिकल्स में अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। ठीक, दूसरे पे चलते हैं, ऑल लिक्विड्स अकम्पनाइड बाय कूलिंग ऑन इवेपरेशन। बेटा ये एक नाइन्थ का टॉपिक है कि अगर इवेपरेशन होता है तो कूलिंग क्रिएट होती है। ठीक है, लिक्विड जब इवेपरेट होते हैं तो कूलिंग क्रिएट होती है, और इस चीज़ पे हमारे ये कूलर वगैरह काम करते हैं, ये आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो ये एक सच्ची बात है, ये सच बोल रहा है, इनके सत्य वचन है। तो हम कहेंगे साहब आप ठीक कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। नेक्स्ट पे चलते हैं कि लोअर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड, ग्रेटर इज इट्स वेपर प्रेशर एट रूम टेम्परेचर। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि वेपर प्रेशर एक्चुअल में क्या होता है। तो वेपर प्रेशर होता है कि अगर कोई लिक्विड है और हम इसको हीट कर दें, हीट करने पर क्या होगा, ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। वेपर में पार्टिकल्स कब कन्वर्ट होते हैं, कोई लिक्विड कब कन्वर्ट होता है, जब उनके मॉलिक्यूल्स के बीच की अट्रैक्शन को तोड़ दिया जाता है, तब वो जाके क्या होते हैं, इवेपरेट। कहने का मतलब जितना जल्दी टूटेगा उतने ज़्यादा वेपर बनेंगे, और वेपर जितने ज़्यादा उतना ही वेपर प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या देखते हैं कि इनके बीच का अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है तो तोड़ना मतलब मुश्किल रहेगा, ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा तब टूटेंगे, कम वेपर बनेंगे, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अगर वीक है तो तुरंत टूट जाएंगे, बहुत ज़्यादा वेपर बनेंगे और वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने कहा लोअर द बॉइलिंग पॉइंट, मतलब लोअर बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब कम टेम्परेचर पे ही बॉयल हो रहे हैं तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। सीधी सी बात है कि लोअर बॉइलिंग पॉइंट है, कम टेम्परेचर पे ही बॉयल हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा वेपर बन रहे हैं तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, हाई। ये बात भी ठीक कह रहे हैं, ये तीनों बातें ठीक हैं। चौथी बात पर हम चलते हैं कि लिक्विड बॉयल्स एट हायर टेम्परेचर एट द टॉप ऑफ द माउंटेन। ओहो वेरी गुड, कह रहा जब हम टॉप ऑफ द माउंटेन जाते हैं तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाता है। इसका कहने का मतलब है लिक्विड हाई टेम्परेचर पे बॉयल होता है। चलो जी, अगर बेटा हम ऊपर जाते हैं ना, जैसे जैसे माउंटेन पे जाएंगे तो वेपर की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम इंट्रैक्शन अगर देखें, एक प्रेशर हम अगर देखें तो ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे प्रेशर कम होता चला जाता है ना, प्रेशर कम होता चला जाता है और बॉइलिंग पॉइंट और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना प्रेशर ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, तो अगर हम देखें कि अगर हम ऊपर जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इस चीज़ को अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि हायर एल्टीट्यूड्स पे अगर ऊंचाई पे हम जाएंगे तो प्रेशर कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। तो हम कहेंगे कि ये बात इसने गलत कही है, और उसने यही पूछा था कि गलत बात कौन सी है, हम कह देंगे ये गलत बात है। तो इसी के साथ हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो समाप्त तो हो गया है। अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन में ये कह रहा है, व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड वुड एका एल्यूमिनियम फॉर्म। सोचो एका एल्यूमिनियम क्या होता है, मेंडेलीव साहब ने ये नाम रखा था। ठीक है, उन भाई साहब ने क्या बताया था कि जैसे हमारे पास है बोरोन, एल्यूमिनियम, बने आलू गोभी इन तेल, जैसे कि हम याद रखते हैं इस तरीके से, तो बोरोन एल्यूमिनियम, और उसके बाद उसने क्या कर दिया था, एक जगह खाली छोड़ दी थी, उस टाइम पे गैलियम है ये डिस्कवर नहीं हुआ था, तो उसने कहा था कि यहाँ पर कोई एलिमेंट आएगा और उसकी ये प्रॉपर्टीज होंगी, ये चीज़ें उसने एक्सप्लेन कर दी थी, और उसका नाम उस समय उन्होंने ये लिखा था एका एल्यूमिनियम, ये बताया था इसका नाम। अब ये हो गया एका एल्यूमिनियम। अब कह रहा है जो ये एका एल्यूमिनियम था ये कौन सा ऑक्साइड बनाएगा, ये वही ऑक्साइड बनाएगा जो ये बनाएगा वही ऑक्साइड बनेंगे। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है, 3 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 2 है, Al के साथ 2, O के साथ 3, Al2O3। तो इसी तरीके से एका एल्यूमिनियम को हमने ई लिख दिया, तो ई टू
ओ थ्री इट विल बी द ऑक्साइड, और यहाँ पर हमें ये मिल रहा है तो इट विल बी द राइट चॉइस, इट विल बी द राइट आंसर, आसानी से आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिहेवियर ऑफ ब्रोमीन इन द रिएक्शन गिवन बिलो। वाओ बड़े क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है गाइस, ध्यान से समझिएगा, प्यार से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आती होगी, नहीं भी आती तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हमारे पास F2 है, Cl2 है, Br2 है, O2 है, N2 है, कोई भी इस तरीके से फॉर्म कर रहा है तो उनके ऑक्सीडेशन स्टेट हम कंसिडर करते हैं जीरो। तो यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, ब्रोमीन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास ब्रोमीन है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, जीरो है, ठीक। अच्छा ऑप्शन देखिए, ये कह रहा है प्रोटोन एक्सेप्ट हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही हैं, ऑक्सीडेशन हो रही है केवल, केवल रिडक्शन हो रही है, ठीक। तो आप इसमें देखिए, हमें कैसे पता चलेगा कि किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है। तो एक ऑक्सीडेशन स्टेट एक ऐसा मेथड है जो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर कर देगा। ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालो, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है तो ऑक्सीडेशन हो रही है, और अगर घट रही है तो क्या हो रही है, वो रिडक्शन हो रही है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आपको आनी चाहिए, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्म में ये सीधा Br2 है तो इसके हम जीरो लेते हैं। HBr में अगर हम ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, हमारे पास है HBr, ऑक्सीडेशन स्टेट हमें Br की निकालनी है तो इसको हम मान लेंगे X। हाइड्रोजन है, अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ जुड़ता है तो उस पर प्लस वन माइनस वन लेते हैं, और नॉन मेटल है तो उसके साथ प्लस वन लेते हैं। तो ब्रोमीन एक नॉन मेटल है तो यहाँ पर हो गया प्लस वन, तो एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू हो गया माइनस वन। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस वन है और यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है। आफ्टर दैट वी विल फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट इन केस ऑफ एच ओ बी आर। तो एच ओ बी आर में बी आर की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने मान ली x, क्योंकि इसका कैलकुलेट करना है। ऑक्सीजन पे होता है माइनस टू, और हाइड्रोजन क्योंकि नॉन मेटल से जुड़ा है तो फिर से इस पे क्या हो गया प्लस वन, ठीक है, और इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू हो गया प्लस वन। तो यहाँ पर ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई प्लस वन। हमने आपको बताया अगर किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है तो ऑक्सीडेशन हो रही है, और घट रही है तो रिडक्शन हो रही है। तो बच्चों ध्यान से देखो, जीरो से अगर माइनस वन हुआ है तो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है मतलब क्या हो गई इस केस में, रिडक्शन हो गई, और जीरो से यहाँ पर प्लस वन हो रहा है तो यहाँ इस केस में क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। इट मीन्स ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। हमें वो ऑप्शन देखना है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी, एंड बी इज़ द राइट ऑप्शन, ही सेइंग बोथ ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस। तो क्वेश्चंस का ये पार्ट हमारा फिफ्थ और सिक्स्थ दोनों क्वेश्चन यहां पर क्या हो गए हैं, फिनिश हो गए हैं। मूव करते हैं सेवंथ क्वेश्चन की। सेवंथ जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फिनोमेना वुड इंक्रीज ऑन राइजिंग इन टेंपरेचर। सोचिए कि इनमें से कौन सा ऐसा फिनोमेना है जिसमें जब हम टेंपरेचर इंक्रीज करेंगे तो वो इंक्रीज हो जाएगा। चलिए देखते हैं। इसने कहा डिफ्यूजन, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन का मतलब है इंटरमिक्सिंग, एक गैस दूसरी गैस में समा जाए। तो अगर मान लो यहाँ पर एक गैस है हमारे पास, अगर हम दूसरी गैस इसके अंदर मिक्स करेंगे और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो बेटा व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेस। पार्टिकल तेजी से दौड़ेंगे तो एक दूसरे में बहुत आसानी से मिक्स हो जाएंगे। तो बहुत अच्छी बात कही है इसने कि अब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिफ्यूजन बढ़ जाएगा, ठीक। दूसरी बात इवेपोरेशन, सिंपल सा है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर, अगर मेरे पास बेटा कोई लिक्विड है आप देखिएगा, इस लिक्विड को मैं हीट कर दूं, इसको हीट करने पर ये इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। आप देखते होंगे वाटर को अगर हम बॉयल करें तो वेपर्स ज़्यादा जाएंगे कि नहीं, इवेपोरेट होगा कि नहीं होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इवेपोरेशन भी बढ़ जाता है, बहुत अच्छी बात है जी, मान लिया हमने। कॉम्प्रेशन ऑफ गैसेस, ये बात हमें कम समझ आई थोड़ी सी। ये कह रहा है कॉम्प्रेशन ऑफ गैसेस, कॉम्प्रेशन कॉम्प्रेस दबाना, कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल कॉम्प्रेस हो जाएंगे, एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे। क्यों मिस गाइड कर रहे हो भैया हमें,
इतना तो हम जानते हैं कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और पार्टिकल दूर भागते हैं ना कि नज़दीक आ जाएंगे। तो हम कह देंगे आप झूठे हो, हम आपकी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है जी, हम सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। फिर से वही वाइब्रेशन, बिल्कुल ठीक बात है। कॉम्प्रेशन ऑफ गैसेस हम पहले ही मना कर चुके हैं, हम आगे बात ही नहीं करेंगे आपसे, हमें आपसे बात नहीं करनी है क्योंकि आप झूठे हो। थर्ड ऑप्शन में चलते हैं हम इवेपरेशन। इवेपरेशन का मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वेपर ज़्यादा बनेंगे, इवेपरेशन ज़्यादा होगा। ठीक है जी, डिफ्यूजन इंटरमिक्सिंग होगी, हम पहले स्वीकार कर चुके हैं। एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, यस, ये सोचने लायक बात है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो पार्टिकल्स दूर जाएंगे, गैस के पार्टिकल दूर भागेंगे और गैस एक्सपेंड होगी। एक्सपेंड से बना एक्सपेंशन, मीन्स टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल दूर जाएंगे, एक्सपेंशन विल टेक प्लेस। तो ये भैया से हम सहमत हो गए, इवेपरेशन, डिफ्यूजन एंड एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, आप सच्चे हो, हम आपकी बात को स्वीकार कर लेंगे। यहाँ इवेपरेशन ठीक है, सोलिबिलिटी कुछ केसेस में बढ़ती भी है, कुछ केसेस में घटती है। अगर गैसेस की बात करें तो गैसेस की सोलिबिलिटी घटती है जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो। और लेकिन हमने यहाँ पर कॉम्प्रेशन ऑफ गैसेस ढूंढ लिया कि ये गलत कह रहा है, हम इसकी बात को स्वीकार नहीं करते। तो हम तीसरी बात को मानते हुए हम कहेंगे ये जो तीसरा कैंडिडेट था ये सारी बातें सही कह रहा है, तो हमने इसकी बातें स्वीकार कर ली हैं जी। चलिए एट्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंपलेस्ट वे टू चेक वेदर ए सिस्टम इज कोलोइडल इज, कि कोई सिस्टम कोलोइडल है, ये चीज़ पता करने के लिए, ये बात पता करने के लिए सबसे आसान तरीका कौन सा है, कह रहा है इलेक्ट्रोडायलिसिस, मतलब डायलिसिस करें और वो भी इलेक्ट्रिसिटी पास करके, बहुत खतरनाक प्रोसेस है भाई, नहीं ईजीएस्ट नहीं कह सकते हम। फाइंड आउट द पार्टिकल साइज, ओ हो, पार्टिकल को साइज फाइंड आउट करेंगे, मतलब हम कोलोइडल पार्टिकल्स को नेक्ड आईज से नहीं देख सकते, हम दूरबीन लाएंगे, कहने का मतलब आप समझ रहे हो ना, माइक्रोस्कोप वगैरह का यूज़ करके हम पार्टिकल का साइज पता करेंगे, फिर उसको देखेंगे भाई ये इस रेंज का है तो ये कोलोइडल है। ना भैया ना, लैब में हम नहीं ले जाएंगे, ऐसे हम नहीं करेंगे। अच्छा जी, टिंडल इफेक्ट, ओहो भैया टिंडल इफेक्ट कह सकते हैं, क्या होता है टिंडल इफेक्ट से हम लाइट का पाथ देख सकते हैं। एक्चुअल में अगर मेरे पास दो कोई सॉल्यूशन है और उसमें से मैं लाइट पास करूंगा, लाइट पास करके मैं देखूंगा, अगर उस लाइट का पाथ हमें दिखाई दे रहा है, कोलोइडल पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, तो हम कह देंगे हाँ ये बहुत आसान तरीका है भाई। ब्राउनियन मूवमेंट इज़ ए डिफ़िकल्ट प्रोसेस, आसानी से हम नहीं देख सकते, लेकिन अगर इनका कंपेरिजन करें, इनके कंपेरिजन में ये आसान है, लेकिन सबसे आसान कौन सा है, टिंडल इफेक्ट। तो हम बात कहेंगे जी टिंडल इफेक्ट की तरफ ही हम तो इशारा करेंगे। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पे। नौवां जो क्वेश्चन है, इथाइल अल्कोहल इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 170 डिग्री सेल्सियस, द प्रोडक्ट फॉर्म इज, भैया ये क्वेश्चन मुझे यहाँ लिखना चाहिए था, मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की है, लेकिन कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन को देखिए, जानदार शानदार जिंदाबाद। इस क्वेश्चन को आप देखिए, इथाइल अल्कोहल इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4। यू ऑल नो द फॉर्मूला ऑफ इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास होता है CH3CH2OH, कई जगह इसको C2H5OH भी हम लिख सकते हैं, लिख दिया सर। फिर करो अगर हम इसकी कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करेंगे तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, H2SO4 जो है बेटा यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट में यूज हो रहा है, मीन्स इसमें रिमूवल ऑफ वाटर टेक्स प्लेस कर जाएगा। अब जब वाटर रिमूव होगा तो बनेगा क्या, वो आप देखिए, मेरे पास है CH3CH2 और उसके साथ लग रहा है OH। जब हम एसिड की प्रेजेंस में और लगभग 443 केल्विन, इसको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना, लगभग पहुंचेगा ये, ठीक है, करते हैं तो रिमूवल ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, डिहाइड्रेशन मतलब वाटर रिमूव होगा, यहाँ से H और यहाँ से OH निकल जाएगा भैया, हम यहाँ माइनस H2O कर रहे हैं, हमारे पास बचा CH2CH2, मीन्स CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब भैया आप देखिए क्या हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है इसमें,
चलो इसको और सिंपल कर लेते हैं, हमारे पास कार्बन कितने हैं, दो हैं, सी टू, हाइड्रोजन कितने हैं, फोर हैं, हम लिख देंगे फोर, तो ये हो गया हमारे पास सी टू एच फोर, और हमारे पास ऑप्शन सी टू एच फोर डी है, तो हम कहेंगे जब हम कंसंट्रेटेड एच टू एच फोर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो डिहाइड्रेशन होके और अल्कोहल एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनॉल इथीन में कन्वर्ट हो जाएगा। चलते हैं टेंथ क्वेश्चन की तरफ।